हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी किया, फिर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी किया, उसके बाद थर्ड यूनिट में हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है क्या? ठीक ना, जब आप चार्ज पढ़ते थे तो आप ये स्टडी करते थे कि किसी चार्ज के चारों ओर वो स्पेस होता है, एक ऐसा रीजन या स्पेस होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आप ले आओ तो वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करता है। ओके, मीन्स किसी भी चार्ज के चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें आप कोई दूसरा अगर चार्ज ले आओ तो वो उसके अट्रैक्शन या रिपल्सन को फील करेगा। तो वो एरिया क्या कहलाता था? उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। ठीक इसी तरीके से अगर कोई एक मैग्नेट हो, एक मैग्नेट रखा हो, वो तो उसके पास एक दायरा होता है। अगर उस रीजन में या उस एरिया में कोई दूसरा अगर मैग्नेट ले आओगे तो वो इसके इन्फ्लुएंस को, वो इसके फोर्स को, वो इसके टार्क को फील करेगा। तो वो जो एरिया है या स्पेस जिसमें इसके इफेक्ट को फील किया जा सके वो इसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बाल से, और इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जिसमें उसके इन्फ्लुएंस को, जिसमें उसके इफेक्ट को फोर्स या टार्क के फॉर्म में एक्सपीरियंस किया जा सके उसे उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आइए हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। किससे डिनोट करते हैं? बी से। द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट आर ए करंट कैरिंग वायर या किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर इन व्हिच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फोर्स आर टर्क कैन बी एक्सपीरियंस। मीन्स किसी, ये देखिए ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर ये स्पेस है, ये स्पेस है, इसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट हम ले आएंगे तो वो इसकी वजह से इसके इन्फ्लुएंस को फील करेगा, वो इसका इफेक्ट फोर्स के फॉर्म में या टार्क के फॉर्म में फील करेगा। तो ये जो दायरा है, ये जो स्पेस है, इसी को इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अगर इस मैग्नेटिक के बाहर चले जाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मीन्स वो इसके लिए इन्फिनिटी माना जाएगा। तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जिसमें उसके इन्फ्लुएंस को फोर्स या टार्क के फॉर्म में एक्सपीरियंस किया जा सके उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग वायर या चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जिसमें उसके इन्फ्लुएंस को, जिसमें उसके इफेक्ट को हम फोर्स या टार्क के रूप में एक्सपीरियंस कर सकें उसे हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों ओर ये दायरा है, ये स्पेस है जिसमें हम इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये एरिया, और इसके बाहर इसके लिए इन्फिनिटी होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ये कोई एक मूविंग चार्ज है, इसके चारों ओर ये स्पेस है जिसमें हम इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसके बाहर इसके लिए इन्फिनिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो किसी मूविंग चार्ज के चारों ओर या किसी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर या किसी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जिसमें उसके इफेक्ट को हम या उसके इन्फ्लुएंस को हम फील कर सकें, जिसमें उसके इफेक्ट या इन्फ्लुएंस को फील किया जा सके उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आइए हम दूसरे तरीके से डिफाइन करें। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, इसमें हमने पी क्यू आर एस एक एरिया, इसमें एक प्लेन एरिया रख दिया, ये प्लेन एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसमें से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट होगा। और इसमें से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजरेंगी उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इक्वल टू होता है बी ए, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है? एरिया। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई अपान ए
फाई क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। ए क्या है? एरिया है। अगर हम ए को 1 मीटर स्क्वायर ले लें तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डिफिनेशन क्या आ जाएगी? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स व्हिच आर क्रॉसिंग नॉर्मल थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका दूसरा नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। उसका रीजन यही है कि ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं जो यूनिट एरिया से क्रॉस होती हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। अगली बात, व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर इंड्यूस्ड देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर इंड्यूस्ड इन दैट सब्सटेंस थ्रू द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो नोन एज द मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या हुआ? अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाता है, और ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी की वजह से। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन है। क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के 3 नेम हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन। इन 3 नामों से हम इसे जानते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए, ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये मीडियम पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। आइए इसकी यूनिट के विषय में बात करें। ये SI यूनिट इसकी है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। क्या? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। और वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और अगली है टेस्ला। तो टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये निकोला टेस्ला साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और CGS यूनिट आपकी, CGS यूनिट इसकी क्या होती है? ये अब न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? डाइन। एम्पियर की जगह क्या आ जाएगा? एब एम्पियर। क्या? एब एम्पियर। इसको एबनोसियो पढ़ते हैं, एबनेसियो। तो एब एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा, ठीक ना? मीटर नहीं, यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, या यहाँ पर आप मीटर के प्लेस पर आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट SI सिस्टम में होती है, यहाँ मैक्सवेल होती है, मैक्सवेल मीटर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ टेस्ला के प्लेस पर गॉस आ जाएगा, गॉस को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, गास को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फोर्स की डायमेंशन अपॉन करंट इनटू लेंथ की डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन अपॉन करंट इनटू लेंथ की डायमेंशन, ये हो जाएगा MT-2A-2 आ जाएगा। अब एक होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको किससे डिनोट करते हैं? H से। किससे डिनोट करते हैं? H से। इट इज अ फील्ड बाई विच एनी मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करना हो तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आपको अप्लाई करनी पड़ेगी वो कहलाती है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल H से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर होती है। CGS यूनिट इसकी ओस्टेड साइंटिस्ट के नाम पर ओस्टेड होती है। और 1 एम्पियर पर मीटर इक्वल टू 4π × 10⁻³ ओस्टेड होता है। 1 एम्पियर पर मीटर इक्वल टू 4π × 10⁻³ होता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम H से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन की तो वैल्यू डिपेंड करती है, लेकिन इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। तो आपको 2 क्वांटिटी मिलेंगी, एक कैपिटल B जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, एक कैपिटल H जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। चाहे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहिए या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों ओर या किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों ओर या एक मूविंग चार्ज के चारों ओर ऐसा स्पेस होता है जिसमें उसके इन्फ्लुएंस को, जिसमें उसके इफेक्ट को हम फील कर सकें। ओके।